बहुत ही कमाल के टिप्स। नंबर एक, दूध में थोड़ा सा जैतून का तेल मिला लें और हल्के हाथों से 3-4 मिनट के लिए चेहरे की मसाज करें, चेहरा चमक उठेगा। नंबर दो, अंगूठे में काला धागा बांधने से पेट कई समस्याओं से बच जाता है और मान्यता यह है कि इससे नज़र भी नहीं लगती। नंबर तीन, अगर आप तिल के तेल में थोड़ी सी लहसुन की कलियां डालकर शरीर पर बच्चों के या बड़ों के मालिश करते हैं तो हड्डियों का दर्द, ठंड, जुकाम, खांसी और कफ सब ठीक हो जाएगा। नंबर चार, तुलसी के बीज को पानी में भिगोकर खाने से मानसिक तनाव कम होता है, यह शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। नंबर पाँच, चुकंदर और पालक का मिक्स जूस पीने से खून की कमी दूर होती है, साथ ही आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। नंबर छः, अगर आपके रोज़ सर दर्द होता है तो आप पालक ना खाएं। नंबर सात, यदि आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो पानी में थोड़ा सा नमक डालें और गर्म कर लें, फिर एक कपड़ा लें और उस कपड़े को उस पानी में डालें और घुटनों की सिकाई कर लें या रात भर बांध के छोड़ दें, बहुत आराम मिलेगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा। नंबर आठ, रात में हमेशा दूध में गुड़ डाल के पीना चाहिए, हड्डियों को बहुत फ़ायदा मिलता है, साथ ही यह हमारे खून को भी बहुत बढ़ाता है। नंबर नौ, रोज़ाना एक छोटे अदरक का टुकड़ा चबाने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर दस, अगर आपके चेहरे पर काले तिल हैं तो आप फूल गोभी का थोड़ा रस निकाल लीजिए और जहाँ पर तिल है वहाँ पर मसाज करें, तिल धीरे धीरे हल्के होते चले जाएंगे। नंबर 11, तिल को चेहरे पर से कम करने या ख़त्म करने के लिए केले का छिलका भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। केले के छिलके से चेहरे पर हल्की हल्की मसाज करें, जहाँ पर तिल है वहाँ पे थोड़ा 2-3 मिनट तक मसाज करें, फ़ायदा मिलेगा। नंबर 12, आलू का रस लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और इसका अपने चेहरे पर 2-3 मिनट तक मसाज करें और कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर दें, इससे भी तिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जब भी आप चेहरे की मसाज करें तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें। नंबर 13, एलोवेरा को बीच में से काट लें, फिर अपने चेहरे पर 5 मिनट तक रोज़ शाम को सोते वक्त मालिश कीजिए, सुबह उठ के चेहरे को धो लीजिए, ये काम आपको रोज़ करना है, चेहरे से दाग धब्बे झाइयाँ तेल जो भी है सब साफ हो जाएगा। नंबर 14, कलौंजी का हमको सबको सेवन करना चाहिए, यह हमको कई बीमारियों से बचाती है, साथ ही बालों को भी काला करने में मदद करती है। नंबर 15, अगर आप अपने बच्चों को सुबह के टाइम या 2 चम्मच भीगे हुए चने की दाल खिलाएंगे तो उनका दिमाग तेज होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा, आप उनको गुड़ के साथ भी दे सकते हैं। नंबर 16, हमको मौसमी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, आप चाहे तो ऐसे ही खा ले या फिर जूस बनाकर पी ले, इसमें आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा। नंबर 17, देसी गाय का दूध अगर आप अपने बच्चों को पिलाएंगे तो दिमाग तेज होगा और वो बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर 18, गोभी के 3-4 टुकड़े खाने से आप बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर 19, ठंड में बच्चों की मालिश तिल के तेल से करनी चाहिए, इससे उनकी हड्डियाँ मजबूत होगी, साथ ही ठंड जुकाम से भी बच्चे बचे रहेंगे। नंबर 20, 4 से 5 नीम की नई पत्तियाँ कोपले पीस कर पानी के साथ पीने से उल्टी आना बंद हो जाती है। नंबर 21, खुजली की समस्या दूर नहीं हो रही है तो सरसों के तेल में 5 से 8 लहसुन की कलियां ले और तेल में डाल के थोड़ी देर पकने दे, जब लहसुन की कली गाढ़ी होने लगे तो गैस से उतार ले
और ठंडा होने के लिए रख दें। फिर इसमें थोड़ा सा नमक मिला लें और पूरे शरीर में मालिश करें। इससे जड़ से आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। नंबर 22, खाने से पहले टमाटर का सूप पीने से वजन कम होता है। नंबर 23, जीरा खा लेने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, साथ ही बदहजमी भी दूर होती है। नंबर 24, साइकिल चलाने वाला इंसान जल्दी से बूढ़ा नहीं होता है। नंबर 25, बच्चों को खाली पेट दही खिलाने से उनका दिमाग तेज होता है और खून की कमी भी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।